ईयर एंडिंग जैसे होली का जो समय होता है, उस समय जो सीजन चेंज होता है, मुझे उस समय अस्थमा का अटैक आता था सीजन चेंज की वजह। जी तो मैं चाहती थी, मैं आपका वीडियो देखी जिसमें ये बताएगी कि अस्थमा भी ठीक हो जाता है। जी तो ये अस्थमा मेरे को 6-7 साल से था। अच्छा तो मैं सोची कि थोड़ा सा मैं अस्थमा को भी केयर करूं और इसको जी मैं चलाते रहूं। जी तो आज ये जो सितंबर का महीना है, मैं ये कहती हूँ, ये पिछले जितने साल मेरे बीते हैं, इस जी सितंबर का महीना ना मैं बेड पर रहती थी, हाँ सी मुझे इंजेक्शन लगते थे, जी क्योंकि ये जो सीजन है ना वो मेरे को बहुत ज्यादा इफेक्ट करता था। मेरे को इंजेक्शन देना पड़ता था, मैं बेड से अस्थमा का अटैक इतना होता था, मैं चल नहीं पाती थी। हाँ जी हाँ जी मैं मतलब चल नहीं पाती थी, इतना ज्यादा सांस लेती थी कि मतलब वो बिना इंजेक्शन का मेरा काम ही नहीं गुजार पाता था। जी जी वो आज मैं देख सकते हैं आप, मैं बात जी कर रही हूँ, मैं आज इतना इनहेल किया। आज सितंबर की 27 तारीख है और आप सक्सेसफुली इसमें से पास हो गए हो। जी बिल्कुल, मैं खा भी रही हूँ। मतलब लोग बोलते हैं, जैसे मैं कभी ना वो शाम के टाइम कुछ बाहर जैसे चली जाती थी मार्केट, तो लोग बोलते थे बाहर की हवा लगी, आपकी सीजनिंग शुरू हो गई, तबीयत खराब हो गई, बाहर की जो इन्फेक्शन है आपके अंदर चली गई फेफड़ों में, आप बीमार, बाहर मत जाओ। मैं जी पूजे के समय, जो बंगाल में दुर्गा पूजा बहुत फेमस है, मैं पूजा हाँ नहीं घूमने जाती थी, अच्छा क्योंकि वो हवा मुझे लग जाए, पता नहीं हाँ बाहर जी का सीजन का, तो मैं बीमार जी पड़ जाऊं। लेकिन आज मैं इतना हैप्पी हूँ मैम, इतने दिन बाद मुझे एक भी दवा नहीं, मुझे एक भी इनहेलर नहीं लेना पड़ता हाँ है। मैं जी रात में भी सुकून से सो पाती हूँ, और जी ये मेरे लिए सबसे बड़ा वरदान हुआ कि मैं अस्थमा से, जो कि सांस लेने में इतना बड़ा परेशानी होती हाँ है, जी हाँ वेट लॉस हुआ, थायराइड लॉस हुआ, फंगल जी इन्फेक्शन तो एकदम क्योर हो गया मैम, हाँ जी कहीं भी नहीं। तो मैं घर से, मतलब ये गले में, पीठ पे इतना इन्फेक्शन था कि बाहर निकलने में थोड़ा शर्म आती थी। हाँ तो जी ये मेरा वेट लॉस के साथ साथ इतना कुछ हुआ, आपकी तो अभी स्किन भी एकदम ग्लो कर रही है, एकदम शाइन बहुत कर रही है। ज्यादा। जी मैं आपको ये बोलना चाहूंगी, मेरे आंखों के नीचे इतने डार्क सर्कल थे, स्किन हाँ ये सब ना काले काला पड़ गया था, हाँ जी ये मेरा बहुत स्किन ग्लो करता है। कोई भी देखता है तभी बोलता है, नहीं आप क्या यूज करती हो? मैं हाँ बोली जी कुछ नहीं यूज करती, ये सब नेचुरल है, हाँ और जी ये जी मैम की कृपा है, आपके जी जी मैसेज हम तक आए, हाँ जी ये सबसे कृपा, बड़ी बात। ये जो कृपा है वो परमात्मा की है।